एक यार हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी, एक यार हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज सबसे पहले हम बीजी के इंट्रोडक्शन के बारे में सीखेंगे। बीजी कौन से सन में आया था, कौन से वर्जन से स्टार्ट हुआ था, बीजी का कौन सा वर्जन चल रहा है और बीजी का क्या क्राइटेरिया। सबसे पहले आप लोग सभी जानते हैं कि बीजी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो किसी भी अकाउंट को मैंटेन करता है। क्या करता है बीजी? एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो किसी भी अकाउंट को मेंटेन करना। अब अकाउंट्स का मतलब क्या होता है उसके बारे में हम लोगों को सीखना है। तो दोनों में टैली और बीजी के अंदर क्या अंतर है, लोग बीजी को प्रेफर कर रहे हैं, टैली से लोग क्यों दूर जा रहे हैं, अब इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले देखो, बीजी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो किसी भी अकाउंट को मेंटेन करता है। अकाउंट एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसके अंदर हम लोग ये सीखते हैं कि हमें कैसे अकाउंटिंग मेंटेन करनी, कैसे इन्वेंटरी मेंटेन करनी, कैसे फाइनेंस का बिजनेस मेंटेन करना है, वो सारा काम हम अकाउंटिंग के अंदर कर सकते हैं। लेकिन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीजी के अंदर, तो बात आती है कि सर बीजी क्या काम करता है और टैली और बीजी में अंतर क्या है। देखिए, जो पुराना होता है वो लोग सब जानते हैं, जो नया आता है तो उसकी थोड़ी सी वैल्यू कम है। ऐसे टैली है, टैली क्या थोड़ा सा पुराना है तो लोग उसको पहले बोलते हैं और बाद में बीजी बोलते हैं। लेकिन आज के समय लोग बीजी को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसका यूज़र जो इंटरफेस है वो काफ़ी अच्छा है कंपेरिजन ऑफ टैली के। ठीक है, अब बात आती है कि सर बीजी कौन से सन में आएगा। बीजी आपका पहली बार इंडिया में जो लॉन्च हुआ था वो 1994 में लॉन्च हुआ था। जो आपका बीजी आया था फर्स्ट टाइम वो आपका 1994 के अंदर लॉन्च हुआ था और ये आपका 3 वर्जन से स्टार्ट हुआ था। देखिए, आप यहाँ से ध्यान से देखिए, बीजी का इंट्रोडक्शन दिया गया है, बीजी इज द इंटीग्रेटेड बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर द स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस, इट वाज लॉन्च इन 1994 में। ये जो आपका बीजी फर्स्ट टाइम इंडिया में आया था वो 1994 के अंदर आया था और इसको प्रगति मैदान के अंदर और न्यू दिल्ली के अंदर इंस्टॉल किया गया था। अभी जो बीजी आया है इसके अंदर 19,000 यूजर हैं, अभी इसके 19 लाख लोगों ने बीजी को इंस्टॉल करके वर्किंग उन्होंने स्टार्ट कर दिया 19 लाख। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलोगे सर बीजी का सॉफ्टवेयर फर्स्ट टाइम इंडिया में 1994 में आया था और इसका 3 वर्जन से स्टार्ट किया था, फिर 12 आया, फिर 14 आया, फिर 16 आया और जो अभी लेटेस्ट चल रहा है वो 17 है। अब बात आती है सर, मैं किसी के यहाँ काम करने जाता हूँ, उसके अगर बीजी सॉफ्टवेयर नहीं है, ना ही मेरे पास पेन ड्राइव है, ना ही मेरे पास हार्ड ड्राइव है, तो कैसे मैं बीजी को इंस्टॉल कर सकता हूँ, कोई वेबसाइट है? हाँ, अगर आप लोगों को अपना बीजी का कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो उसके लिए बीजी वालों की खुद की वेबसाइट है जहाँ से आप बीजी का सॉफ्टवेयर इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। Thank you.
दोनों के सामने आओ। देखिए वीजी की वेबसाइट है, गूगल क्रोम खुल गया, बस आपको यहाँ पर लिखना है www.vizywin.com। ये वीजी की अपनी एक वेबसाइट है जहाँ से आप वीजी का कोई सा भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे आप लोग आएंगे, जैसे आप यहाँ वेबसाइट डालेंगे तो यहाँ पर एक टॉपिक खुल गया है जिसपे लिखा हुआ डाउनलोडिंग सेक्शन फॉर वीजी। यहाँ वेटिंग फॉर अभी आ रहा है www. खुल गया। आप यहाँ से वीजी प्रोडक्ट के अंदर आना है और यहाँ से वीजी का कोई सा भी वर्जन डाउनलोड कर सकते। देखिए वीजी का एक लेटेस्ट वर्जन आया वीजी 17 का 2.3। क्या वर्जन आ गया आपका वीजी का 2.3। इसको कब लॉन्च किया गया, कल शाम 5 बजे इसको इंस्टॉल किया गया इसकी वेबसाइट पर। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो आप इसके आगे क्लिक बटन दबाएंगे तो आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। बट मुझे इसलिए डाउनलोड नहीं करना क्योंकि मैंने कल इसी को डाउनलोड कर लिया, अब मुझे इसको डाउनलोड नहीं करना। तो आप लोगों को याद रखना है कि अगर कोई आपसे पूछे कि वीजी कब आया था तो आप बोलोगे सर 1994 में इंडिया में फर्स्ट टाइम आया था, फ्री वर्जन से स्टार्ट हुआ था और आज आपका वीजी का 5 वर्जन आ चुके। कौन कौन से वर्जन आए, पहले 3.9 आया था, फिर 12 वर्जन आया था, फिर आपका 14 आया, फिर आपका 16 आया एंड देन आपका लेटेस्ट वर्जन आ गया वीजी 7। अब किसी का हम लोग काम करते हैं, कभी कभी क्या होता है वीजी सॉफ्टवेयर ना सही से चलता नहीं, मैं वीजी को खोलता हूँ खुलता नहीं है, तो हम लोगों को उस कंडीशन में क्या करना होता है, वीजी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना होता है और फिर इंस्टॉल करना होता है। क्या करना होता है, अनइंस्टॉल करना होता है और फिर इंस्टॉल करना होता है। तो आप लोग जानते हैं वीजी सॉफ्टवेयर को कैसे अनइंस्टॉल किया जाता है? तो वीजी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले आना है कंट्रोल पैनल पे। कहाँ जाना है आप लोगों को, कंट्रोल पैनल पे। इस पे आ जाएंगे या तो आप लोग इसका बटन दबाइए, यहाँ पर भी लिख सकते हैं आप लोग कंट्रोल पैनल, तब भी आप इजी यहाँ पहुँच जाएंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आप यहाँ आ जाएंगे कंट्रोल पैनल पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक प्रोग्राम है, क्या लिखा अनइंस्टॉल। कभी कभी क्या होता है ये कैटेगरी इस स्मॉल आइकन्स में होती है, तो क्या होती है हमें ढूंढना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे स्मॉल आइकन से बदल के कहाँ पहुँच जाते हैं हम लोग, कैटेगरी करते हैं, कैटेगरी करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, अनइंस्टॉल आप प्रोग्राम। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जितने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में, बस आप उसको क्लिक कीजिए एंड देन यहाँ पर जाके क्या कर दीजिए, अनइंस्टॉल। देखिए मेरे पास वीजी के सारे वर्जन है, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3 और वीजी का 16 भी मेरे पास नीचे अवेलेबल होगा, ठीक है। तो अब बात आती है कि सर मुझे वीजी 1.5 नहीं चाहिए, देखो मैं इस पर क्लिक करके क्या कर दूंगा, अनइंस्टॉल। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा मेरा वीजी सॉफ्टवेयर यहाँ से गायब हो जाएगा। तो आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से क्या कर दीजिए, अनइंस्टॉल। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा देखो यहाँ से अनइंस्टॉल होना शुरू हो गया। क्या हो गया, ये आपका अनइंस्टॉल होना शुरू हो गया। जैसे ही अनइंस्टॉल प्रोसेस कंप्लीट होगा आपका वीजी सॉफ्टवेयर यहाँ से गायब हो जाएगा। ये कब करते हैं, जब हम किसी के यहाँ वर्किंग कर रहे हैं, हम अगले दिन जॉब पे गए, वीजी सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं तो एक प्रॉब्लम आ रही है, लिख के आ रहा है कि वीजी सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी सपोर्टेड। तो उस समय आपको क्या करना है, वीजी सॉफ्टवेयर को पहले अनइंस्टॉल करना है फिर इंस्टॉल करना है, वो आपकी जो प्रॉब्लम थी वो खत्म सही हो जाएगी। तब देखिए यहाँ पर आगे ना वीजी कौन सा 1.5 और ये आपका अनइंस्टॉल होना शुरू हो गया। अनइंस्टॉल हो रहा है, ये इंस्टॉल नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, अनइंस्टॉल हो रहा है। अनइंस्टॉल का मतलब आपकी इस लोकेशन से वो गायब हो जाएगा। हो गया, ये आपका यहाँ से 1.5 गायब हो गया क्योंकि मेरे पास ये 16 है और ये मेरे पास 16 का 2.3 वर्जन है। अगर आप देखोगे तो इनमें से कोई मेरा वर्जन गायब यहाँ से नहीं होगा क्योंकि मैंने कंट्रोल पैनल से अभी 1.5 को ही हटाया है। किसको हटाया है, 1.5। अगर मैं आपको 2.3 हटा के दिखाता हूँ और फिर आपको दिखाऊंगा कैसे आप इसको डाउन इंस्टॉल करेंगे, तो दोबारा मैं कंट्रोल पैनल पर जाता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, अब मैं वीजी का जो लेटेस्ट वर्जन है 2.3 इसको कर देता हूँ डिलीट। मैं आया अनइंस्टॉल के अंदर, फिर मैंने इस पर क्लिक करा और यहाँ से क्या ले लिया, अनइंस्टॉल। मैंने जैसे इस पर क्लिक करा यहाँ पर विंडो आ रही है अनइंस्टॉल। जैसे ये विंडो कंप्लीट होगी तो आपका ये वाला जो आइकन है ना
ये गायब हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्लीज वेयर बाय द विंडो कॉन्फ़िगर बीजी 2.8। देखिए ऊपर से गायब हो गया बीजी 17, हट गया ना। अगर किसी ने कहा कि सर अब मुझे बीजी 17 चाहिए, मुझे बीजी 17 और इंस्टॉल करके दिखाइए, तो सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे, यहाँ से आप देखेंगे कि बीजी का कौन सा नया वर्जन आया है, उस वर्जन पे आगे जाके क्लिक करके आप लोग क्या कर लेंगे, डाउनलोडिंग कर लेंगे, जिससे आपका बीजी सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोड होके मेरी माई कंप्यूटर की लोकेशन पे रखा हुआ है, तो मुझे यहाँ पर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोडिंग के अंदर यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन मैंने क्या कर रखा है, मैंने डाउनलोडिंग लोकेशन को चेंज कर रखा है कि अगर मैं कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करूँगा तो वो सी ड्राइव में आएगा। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर आ गया, इस पर आप लोग राइट क्लिक कीजिए, इस पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से कर दीजिए रन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे और आप बाहर आके देखेंगे तो आपके पास बीजी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना शुरू हो गया। क्या हो गया आपका, इंस्टॉल होना शुरू हो गया। इसके बाद दिखाएंगे कि अगर आप जो डेमो मोड पे काम करते हैं तो उसको ओरिजिनल कैसे कर सकते हैं अपने 365 दिनों के लिए। तो आप बीजी को देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका ओरिजिनल भी हो सकता है। उसके आगे आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, एक मैसेज आया है, योर बैटरी इज लो। ये आ गया। इसके बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए, ये कह रहा है कि ऑलरेडी आपके पास 2.1 डाउनलोड है, तो मैंने कहा इसको मॉडिफाई कर दो, बस नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, ये आपका डाउनलोडिंग हो गया। क्योंकि जो मैंने ये जो मेरा ये आप दिख रहे हैं ना 16, ये 16 नहीं है, मैंने इसका नाम चेंज करके ये रियल में तो बीजी का 17 का 2.1 है, बट मैंने क्या कर रखा है, इसका नाम चेंज कर रखा है। नाम कैसे चेंज कर रहा है, मैंने इसको क्लिक करा, ऐप टू से ऑन करा और उसके आगे डाल दिया बीजी 16। अब मैं बीजी 17 डाल दूंगा तो ये बीजी 17 बन जाएगा। तो मैंने इसको नाम चेंज कर दिया था खाली, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि सर आप जब भी कोई डाउनलोड करते हैं तो राइट क्लिक करके एडमिनिस्ट्रेटर क्यों करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, ये मेन यूजर होता है, जब आप सिस्टम खोलते हैं ना तो इससे रन होके खुलता है, तो हम लोग चाहते हैं कि कोई यूजर ना खोले इसको, इससे डाउनलोड होगा तो इसलिए करते हैं। इससे करने से आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती इन फ्यूचर, जब भी हम लोग किसी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जाते हैं तो हम लोग रन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर ही करते हैं ताकि बाद में इशू ना आए। उसके बाद अब मैं बीजी सॉफ्टवेयर को अगर मैं डाउनलोड करके चलाऊंगा तो देखिए बीजी सॉफ्टवेयर चलते वक्त एक मैसेज आएगा जिस पर लिखा आएगा बीजी कैन नॉट बी एक्टिवेट। देखिए यहाँ मैसेज आया कुड नॉट चेक सिक्योरिटी, क्या मैसेज आ गया, कुड नॉट चेक सिक्योरिटी। ऊपर एक हेडिंग लिखी आ गई सिक्योरिटी डिवाइस कुड नॉट बी फाउंड, प्रोग्राम विल स्टार्टेड डेमो मोड। इसका मतलब ये है कि जब आप बीजी को खोलते हैं, क्या कहते हैं, बीजी को चलाएंगे तो कौन से मोड पे आपका चालू होगा, डेमो मोड पे। डेमो मोड का मतलब होता है 30 दिन के एंट्री अपने सिस्टम पे कर सकते हैं। हेलो, अब ये मैसेज क्यों आता है इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। होता क्या है, जो लोग हम लोग कहीं से डाउनलोड करते हैं ना कोई सॉफ्टवेयर, किसी की वेबसाइट से, किसी की कहीं से भी, तो वो होता क्या है कि वो एजुकेशनल मोड पे होता है। कौन से मोड पे होता है, वो एजुकेशनल मोड पे, कहीं से भी करो तो कौन से मोड पे होता है, आपका एजुकेशनल मोड पे होता है। लेकिन मैंने कहा सर मुझे ना जो आपने बीजी चलाया है ना इसको ओरिजिनल करना है, क्या कोई तरीका है इसको ओरिजिनल करने का। हाँ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिससे आप बीजी के सॉफ्टवेयर को कुछ टाइम तक के लिए ओरिजिनल कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये मैसेज किस लिए आता है ये आप लोग समझ लीजिए, आप लोग जितनी आपकी पहली क्लास है, ये तब आता है कि जब आपके पास बीजी का ओरिजिनल सॉफ्टवेयर नहीं, क्या नहीं है आपका, बीजी का ओरिजिनल सॉफ्टवेयर नहीं है, आप डेमो मोड पे काम करोगे तो इस तरीके का मैसेज आएगा। क्या आएगा आपका, इस तरीके का मैसेज आएगा। अब बात आती है कि इसको ओरिजिनल कैसे करते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो कैसे करेंगे बताता हूँ। सबसे पहले एक बार इसको रिफ्रेश कीजिए,
और राइट क्लिक करके न्यू में आइए और यहाँ से एक होती है टैक्स डॉक्यूमेंट। क्या होता है आपका टैक्स, टैक्स डॉक्यूमेंट को क्लिक करके ओपन कीजिए और इसको डबल क्लिक करके ऑन कीजिए। अब कितने दिन के लिए आपको बीजी सॉफ्टवेयर ओरिजिनल करना है, यहाँ पर डेज डाल देना है। मैंने बोला 180 दिन के लिए बीजी सॉफ्टवेयर को ओरिजिनल करना है। क्या करना है, बीजी सॉफ्टवेयर को 180 दिन के लिए ओरिजिनल करना है। उसके बाद आपको स्विफ्ट के साथ ये बटन दबाना है और जितने एक 8 डिजिट का कोई भी नंबर यहाँ से टाइप कर देना है, 8 डिजिट का, क्योंकि जो आपका बीजी का जो सीरियल नंबर होता है वो 8 डिजिट का, कितने का होता है 8 डिजिट का। उसके बाद इस फाइल को जाइए, फाइल पे आइए, सेव एस पे आइए और इसको एक लोकेशन है, फिक्स लोकेशन सी ड्राइव बिजी बिन के अंदर सिस्टम के अंदर जाके यहाँ पर कर दीजिए। एक कोड है बिजी, यहाँ पर डालो डेमो डॉट आई एन आई, ये कोड है जिससे आप बिजी के सॉफ्टवेयर को ओरिजिनल कर सकते हैं। ये कोड अगर आपने डाल दिया तो आपका बिजी सॉफ्टवेयर कुछ पीरियड के लिए 180 दिन के लिए क्या हो जाएगा, ओरिजिनल हो जाएगा। फिर आपको बी सॉफ्टवेयर परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी इसको कर देते हैं और मैंने इसको यहाँ से सेव कर दिया, सेव हो गई मेरी फाइल। अब देखिए अगर मैं बीजी सॉफ्टवेयर को ओरिजिनल ऑन करूंगा तो यहाँ पर एक मैसेज आएगा साथ में, ये मैसेज आया, वही मैसेज आया सर ये तो ओरिजिनल हुआ नहीं। अब इसके बाद जब ऐसा करने पे आपका नहीं होता तो आप अपने सिस्टम पे आइए, यहाँ पर स्टार्ट बटन होगा, इसको एक बार कर दीजिए क्या आप लोग, रीस्टार्ट, क्या कर दीजिए आप रीस्टार्ट। तो आप जैसे ही रीस्टार्ट से ऑन करेंगे तो आपका बीजी सॉफ्टवेयर ओरिजिनल होगा। अब एक सर ने बोला है कि जिसने डोंगल खरीद रखा है उसका क्या, देखिए जो आपने यहाँ से ओरिजिनल करा है ना वो खाली 300 एंट्री एक्सेप्ट करेगा, क्या करेगा वो आपकी 300 एंट्री एक्सेप्ट करेगा, चाहे वो आप 30 दिन में करो, 3 साल में करो या मल्टी करो, बस वो 300 एंट्री एक्सेप्ट करेगा, ये फर्क है। डेमो से ओरिजिनल तो हो जाएगा लेकिन एक तो 300 एंट्री एक्सेप्ट करेगा, उससे ज्यादा एंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो बीजी वालों ने क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है 300 एंट्री, मतलब जो डाटा अपलोड करेंगे 300 करेंगे, 300 चाहे आप सेल में कर लो चाहे आप परचेज में कर लो, टोटल आपका 300 है, वैल्यू है। आ गया, तो आपने देखो क्या क्या चीजों को नोटिस करा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बीजी इंडिया में कब आया है, 1994 में लॉन्च हुआ है, कौन से वर्जन से स्टार्ट हुआ है, 3 से स्टार्ट हुआ है, फिर 12 पे गया है, फिर 14 पे आया, फिर 16 पे आया। ये चेयर है, ये चेयर उठाओ यहाँ पर, आप चेयर ना, ये हो गया। अनइंस्टॉल करना तो उसके लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, कंट्रोल पैनल पे आते हैं और यहाँ से अनइंस्टॉल के अंदर आते हैं और जिस पे क्लिक करके यहाँ से हम लोग क्या करते थे, अनइंस्टॉल कर देते। इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, बीजी का सेटअप होना चाहिए, सेटअप होना चाहिए, क्या होना चाहिए बीजी का सेटअप, वो डाउनलोड से मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं, बीजी को स्टार्ट करते हैं, बीजी स्टार्ट करा हमने, अभी मैसेज समझ गए आप लोग सभी, कोई प्रॉब्लम इसमें किसी तरह की। अब इस पर आप इंटर मारिए, आ गया। अब चलते हैं हम लोग क्रिएट, सर अब तो आपने बता दिया कि आप एक कॉपी बनाओ उससे ओरिजिनल हो जाएगा, लेकिन सर मैं अगर बीजी सॉफ्टवेयर परचेज करना चाहता हूँ तो कितने तरीके से बीजी सॉफ्टवेयर परचेज हो सकता है। तो भी आपका बीजी सॉफ्टवेयर दो तरीके से परचेज हो सकता है, उसके लिए बताता हूँ कैसे। देखो सबसे पहले यहाँ पर मैंने पिक्चर लगा रखी जिसका मैसेज मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया भी था, कुड नॉट टेक सिक्योरिटी, इसके नीचे यहाँ पर लिखा भी है, इसका मतलब ये है कि हम अभी डेमो मोड पर काम कर रहे हैं, इसमें हम सिर्फ 30 दिनों की एंट्री कर सकते हैं। अगर बीजी सॉफ्टवेयर को ओरिजिनल करना है तो उसके दो तरीके होते हैं, एक तो सॉफ्ट लॉक होता है, दूसरा डोंगल होता है। आप देखिए सॉफ्ट लॉक क्या होता है और डोंगल क्या होता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो उसके साथ साथ मैं एक चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, ये देखिए आप, क्या ये डोंगल है, ये इसका डोंगल है, ये वायरलेस कीबोर्ड माउस है आपका, क्या है वायरलेस कीबोर्ड माउस है, अगर मैं ये लगा दूंगा तो यूजलेस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बेकार, इसका कोई काम नहीं।
ऐसे डोंगल आता है बीजी का, क्या आता है डोंगल आता है जो बीजी को चलाता है, क्या करता है जो आपको बीजी को चलाता है। तो अगर आपको बीजी सॉफ्टवेयर ओरिजिनल करना है या तो आपको डोंगल परचेज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा आपको डोंगल। अब यहाँ पर लिखा है जिसको हम डोंगल ही बोलते हैं, हार्ड लॉक भी बोलते हैं। हार्ड लॉक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फिजिकल डिवाइस है। क्या ये आपका एक फिजिकल डिवाइस जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, ये क्या हमारा फिजिकल डिवाइस है। यहाँ पर लिखा है हार्ड लॉक इज अ फिजिकल डिवाइस विच इज अटैच टू द यूएसबी पोर्ट ऑफ योर कंप्यूटर। जिसको कहाँ अटैच किया जाता है आपके कंप्यूटर के अंदर, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। दूसरा सर, ये सॉफ्ट लॉक क्या होता है, क्या होता है सॉफ्ट लॉक क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। सॉफ्ट लॉक एक फाइल होती है, क्या होती है, जैसे ये फाइल है ना आपकी, ऐसी एक सॉफ्ट लॉक भी फाइल होती है, क्या होती है आपकी सॉफ्ट लॉक फाइल। बहुत से क्लाइंट हमें फोन करते हैं कि सर मुझे बीजी का डोंगल नहीं चाहिए, तो हमने पूछा सर क्यों नहीं चाहिए, कहते हैं कि सर अगर मेरा डोंगल हो जाता है तो बीजी मेरा खराब हो जाता है, क्या हो जाएगा मेरा बीजी खराब हो जाता है। तो लोग कहते हैं कि सर आप मुझे एक फाइल दे दो, क्या कर दो मुझे एक फाइल दे दो। तो लोग हम लोग क्या करते हैं उनको एक फाइल प्रोवाइड कराते हैं जिसको हम बोलते हैं सॉफ्ट लॉक, क्या बोलते हैं सॉफ्ट लॉक। ये भी काम आपके डोंगल की तरह करता है, क्या करता है आपका डोंगल की तरह। इसका मेन मोटिव क्या है, इसको एक सिस्टम के लिए यूज किया जाता है, क्या किया जाता है इसको कि आप जिस सिस्टम में डालेंगे उस सिस्टम में ही आपका बीजी चले, क्या होगा आपका जिस सिस्टम में डालेंगे उस सिस्टम में ही चलेगा। जैसे मैंने इसको राइट क्लिक करा, मैंने इसको कॉपी कर दिया, ये मान के चलो मेरे पास ये सॉफ्ट लॉक फाइल है, कौन सी फाइल है ये सॉफ्ट लॉक है, ठीक है, मुझे ये मेरी सॉफ्ट लॉक फाइल है जो बीजी वालों ने मुझे दी है। तो इस फाइल को अब आपको और आपकी फाइल है, अब इसको चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले कॉपी करना पड़ेगा, फिर सी ड्राइव में बीजी विन के फोल्डर के अंदर जाके आपको यहाँ पेस्ट कर देना है, बस इससे आपका बीजी सॉफ्टवेयर ओरिजिनल हो जाएगा। लेकिन ये दोनों ही सिचुएशन बीजी वाले प्रोवाइड कराएंगे, इसमें हम लोग कुछ भी नहीं करते। अगर आपको सॉफ्ट लॉक चाहिए तो भी बीजी सॉफ्टवेयर को बोलना पड़ेगा, आपको हार्ड लॉक चाहिए तब भी आपको चाहिए। दोनों में अंतर ये कि अगर ये हो जाएगा तो आपको दोनों नया ही लेना पड़ेगा, आपको पुराना नहीं मिलेगा। लेकिन सॉफ्ट लॉक क्या होता है, अगर आपका सिस्टम खराब भी हो जाए तब भी बीजी वाले आपको सॉफ्ट लॉक फाइल प्रोवाइड कराते हैं, दोनों में अंतर ये। अब इसके बाद अगर सॉफ्ट लॉक नहीं होता तो दोबारा नहीं हो जाएगा, ये तो शुरू में सॉफ्ट लॉक सॉफ्ट लॉक। अब आता है क्रिएट कंपनी, क्या आता है क्रिएट कंपनी, क्या मैं सर क्रिएट कंपनी कर सकता हूँ। क्रिएट कंपनी का मतलब होता है एक नई कंपनी बनाने को, क्या बोलते हैं हम लोग क्रिएट कंपनी। लेकिन याद रखना है कुछ चीजें कंपनी बनाते हो सर, क्या क्या चीजें याद रखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है सेट डाटा डायरेक्टरी पे, कहाँ आना है आपको सेट डाटा डायरेक्टरी पे। एक्चुअली होता क्या, जब हम लोग कंपनी बनाते हैं ना तो कंपनी बनाने से पहले हमें लोकेशन देनी होती कि मेरी कंपनी इस फोल्डर में इस ड्राइव में जाके बने। जैसे आप यहाँ देख लो कौन सी ड्राइव है आपकी, डी ड्राइव। अगर आप यहाँ पर आके देखेंगे तो जितनी कंपनियाँ बनी है सारी कहाँ बनी है, डी ड्राइव में। कहाँ बनी है आपकी सारी कंपनियाँ, डी ड्राइव। अगर मैं यहाँ से लोकेशन चेंज कर दूँ, मैं कोई और सी लोकेशन दे दूँ, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपकी कोई भी कंपनी शो नहीं हो रही। अभी कितनी कंपनियाँ शो हो रही थी, बहुत सारी। अब देखो कितनी कंपनियाँ शो हो रही हैं आपकी, दो ही कंपनियाँ शो हो रही, दो चार कंपनियाँ शो हो रही। तो बीजी के अंदर लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी लोकेशन गलत होगी, जैसे मैं आपकी कोई लोकेशन गलत कर देता हूँ, मैंने ये लोकेशन दे दी, तो देखिए आपकी कंपनी शो नहीं होगी। अगर आप इंटरव्यू में गए और आपसे किसी ने कहा कि मेरी कंपनी उस लोकेशन पे पड़ी है, उसको चलाओ, अगर आपको ये लोकेशन ही देना नहीं आता, इस लोकेशन को ही आप दे नहीं पा रहे, तो क्या सोचेगा, इसका मतलब आप बीजी जानते नहीं। इसलिए आप लोग जब भी किसी की कंपनी बनाएंगे या काम करने जाएंगे तो सबसे पहले उनकी लोकेशन पूछेंगे, सर आपकी कंपनी कौन से फोल्डर से कौन से ड्राइव में बन गई, ठीक है, तो आपको ये करना है। अब बात आती है सर मैं कंपनी बनाना चाहता हूँ लेकिन न्यू फोल्डर में, क्या करना है न्यू फोल्डर, सर फोल्डर कैसे बनाऊंगा। तो आप लोगों को माई कंप्यूटर में जाने की शॉर्टकट की है विंडो प्लस ई। अगर अपने कीबोर्ड पे आप विंडो प्लस ई दबाएंगे, क्या दबाएंगे अपने कीबोर्ड पे विंडो प्लस ई, मैं दिखाता हूँ कौन सा बटन। अगर आप अपने कीबोर्ड पे विंडो के साथ ये वाले बटन के साथ ई दबाएंगे, क्या दबाएंगे ई बटन,
तो आपका डायरेक्ट माई कंप्यूटर ओपन हो जाएगा, जैसे आपका ये माई कंप्यूटर ओपन। इसकी शॉर्टकट है ओवन स्क्रीन कीबोर्ड, तो बोलते हैं हम लोग ओवन स्क्रीन कीबोर्ड। इसकी शॉर्टकट है ओ एस की, अगर आप ये दबा दोगे तो आपका ये सॉफ्ट लॉक आ जाए। कभी कभी हमारे पास माउस कीबोर्ड नहीं चलता तो हम लोग इसकी मदद लेके भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको माई कंप्यूटर में आना और बीजी को हटाना भी नहीं है, तब अपने कीबोर्ड पे आप विंडो प्लस क्या यूज कर दो, विंडो प्लस ही, जिससे आपका क्या हो जाएगा माई कंप्यूटर डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जाके फोल्डर बना लीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा क्या, लिखा न्यू फोल्डर, आप इस पर क्लिक कीजिए और जो भी फोल्डर का नेम होगा वो फोल्डर का नेम यहाँ पर आप लोग डाल, जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया कमल, कमल डॉट, मैंने क्या डाल दिया कमल डॉट। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी कंपनी बने इस फोल्डर के अंदर बने, कहाँ बने इस फोल्डर के अंदर बने, तो उस फोल्डर के अंदर बनने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्रिएट पे नहीं आऊँगा, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं आऊँगा सेट डाटा डायरेक्टरी पे आऊँगा, इस लोकेशन इस फोल्डर पे क्लिक करूँगा, फिर इस लोकेशन पे आऊँगा और यहाँ से के कमल ढूंढूंगा। मैंने के दबाया तो कमल आया, लेकिन मुझे क्या चाहिए था कमल, कमल डॉट तो है नहीं, तो इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। जैसे आप यहाँ से ओके करेंगे तो देखिए आपके ऊपर यहाँ पर कंपनी आ रही है, क्यों नहीं आ रही, क्योंकि ये फोल्डर अभी मैंने न्यू बनाया। और आप लोगों को पता होना चाहिए लोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसने कंपनी बनाने से पहले लोकेशन ध्यान नहीं दी ना वो कंपनी नहीं ढूंढ पाएगा। तो इसलिए आप लोग आने से पहले, काम करने से पहले कंपनी को ओपन करते वक्त लोकेशन देख सकते हैं, या काम करने से पहले लोकेशन चेक करें कि आप लोग काम कहाँ कर रहे, ताकि आप लोग इसको कर सकें। होता क्या, जब हम किसी यहाँ कंपनी बनाते हैं तो कंपनी एक बार बनाते हैं, अगर हम लोगों को लोकेशन याद नहीं होगी तो कल को हम ढूंढ नहीं सकते, हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम कंपनी बनाते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, लोकेशन देते कि मेरी ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। अब आते हैं क्रिएट कंपनी, ठीक है, ये याद रखोगे, इसको पाथ बोलते हैं, पाथ, पाथ का मतलब होता है रास्ता। जैसे ये रास्ता है, हम जैसे घर जाते हैं तो हमारे लिए स्ट्रीट बनी हुई है, रोड बने हुए हैं, ऐसे अगर आपको काम सेव करना है तो उसके लिए लोकेशन, ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करके भी कर सकते हैं, या आप फिर लोकेशन ऐसे भी डाल दीजिए अगर आपको पता है। मेरे को तो पता है इसलिए मैं कभी भी लोकेशन को सिलेक्ट नहीं करता, मैं मैनुअली डालता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग कहाँ पर, क्रिएट कंपनी, कहाँ आ गए हम लोग, क्रिएट कंपनी। अब जो भी कंपनी का नेम है वो कंपनी का नेम डाल दिया, जैसे मैंने डाल दिया स्टार इलेक्ट्रॉनिक, ये मेरी कंपनी का नेम है, आ गया, ये मेरी कंपनी का नेम। सर ऊपर तो कंपनी लिखा है, नीचे प्रिंट नेम लिखा है, सर इन दोनों में क्या अंतर है, क्या आप बता सकते हैं। देखिए जो ऊपर नेम लिखा ना, ये वाला नेम, ये आपको खाली यहाँ डिस्प्ले हो, कहाँ डिस्प्ले होगा, यहाँ पर डिस्प्ले होगा, लेकिन अगर आपको प्रिंट निकालना है तो ये नेम, मैंने इस नेम को आप ऊपर वाले से अलग भी कर सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं। मेरा नाम क्या शो होगा, मेरा नाम शो होगा स्टार इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन जो मेरे प्रिंट पे माल छपके आएगा या प्रिंट पे नाम लिख के आएगा वो लिख के आएगा स्टार इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट, इससे आगे लिमिटेड नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ मेंशन कर दिया अलग से कि मुझे प्रिंट में तो स्टार इलेक्ट्रॉनिक चाहिए, क्या चाहिए मुझे प्रिंट में, स्टार इलेक्ट्रॉनिक चाहिए और दूसरी जगह कुछ और नहीं चाहिए, क्लियर है इसके अंदर। तो आप लोगों को याद रखना, अगर आप किसी के पास काम करने जाते हो कहता है कि कंपनी का नेम तो यहाँ शो हो लेकिन प्रिंट नेम ऐसा है, तो आप यहाँ से आके चेंज करें। दूसरा याद रखना, आप ये दोनों नेम भी सेम डाल सकते हैं। उसने कहा कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना, आप दोनों नेम एक जैसे डाल दीजिए, तब भी आपको कोई दिक्कत वाली करने की जरूरत नहीं है, आप एक जैसे नाम डाल सकते हैं, ठीक है। अब आता है शॉर्ट नेम, तो यहाँ पर आप शॉर्ट नेम कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है, ये आपका शॉर्ट नेम। कंट्री आप लोग जानते हैं इंडिया है, स्टेट आप लोग जानते हैं दिल्ली, कोई दिक्कत इसके अंदर। अब इसके आगे बटन एक लिखा है F dot Y beginning, क्या लिखा है F dot Y beginning, जिसको हम बोलते हैं enter the financial year, क्या बोलते हैं हम लोग enter the financial year। आप जानते हैं financial year क्या होता है, financial year क्या होता है, जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को बंद होता है, उसे हम क्या कहते हैं, financial year कहते हैं।
सपोज अगर मैं बिजनेस 1-8 को स्टार्ट कर रहा हूँ तो कब बंद होगा बिजनेस आपका? 31 मार्च 2018। अगर मैं बिजनेस 1-1-2017 को स्टार्ट कर रहा हूँ तब कब बंद होगा बिजनेस? कब बंद होगा सर? 1 अप्रैल। फाइनेंशियल जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर कब बंद हो जाता है? वो 31 मार्च को बंद होता है फाइनेंशियल ईयर। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, अगर किसी ने कंपनी 1-1-2017 से बनाई है तब उसको कंपनी बंद भी उसी ईयर में करनी, किस ईयर में करनी है आपको? उसी ईयर में। होता क्या, जैसे आप स्कूल जाते, कोई बच्चा अप्रैल से स्कूल स्टार्ट करता है, कोई बच्चा जुलाई से स्टार्ट करता है। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि आपकी क्लासेस कब बंद होंगी? 31 मार्च में। आप कभी भी स्टार्ट कीजिए लेकिन क्लासेस कब बंद होंगी आपकी? 31 मार्च। तो ऐसी फाइनेंशियल ईयर भी है। लेकिन अभी ये फाइनेंशियल ईयर चेंज होने वाला है, जो आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा वो 1-1 से आ जाएगा। ये आपका जो इंडिया में नया फाइनेंशियल ईयर आने वाला है वो 1 जनवरी से आने वाला है। क्योंकि जो GST आया है ना इंडिया में, आप लोगों को पता है कि एक नया टैक्स आ गया GST। जब इंडिया में GST आया तो गवर्नमेंट ने बोला है अब आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल नहीं होगा, अब 1 जनवरी हो जाएगा। बट वो गवर्नमेंट आपको स्पेसिफाई करेगी वो कब से करना चाहते हैं, अभी तो 1 अप्रैल ही है, ठीक है। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर के बाद आता है बुक कमेंसिंग फ्रॉम, आपको एंट्री कब से स्टार्ट करनी। जैसे मैं जुलाई के बाद काम करने गया किसी को, उसने बोला जुलाई से स्टार्ट करनी, तो आप यहाँ पर क्या डाल देंगे? 1-7-2017। तो आपकी एंट्री कब से स्टार्ट होंगी? आपकी जुलाई से स्टार्ट, सबसे स्टार्ट होंगी एंट्री आपकी जुलाई। तो याद रखना अगर आपने यहाँ पर 1-7 डाल दिया, क्या डाल दिया आपने, तो आप 1-4 से लेकर 31-6 तक आप कोई एंट्री नहीं कर सकते। पता है क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिया कि जो मेरी स्टार्टिंग हो ना बुक, वो कब से स्टार्ट हो? 1 जुलाई से। तो मेरी एडवाइस आप लोगों के लिए यही रहेगी, आप यहाँ पर जो आपका फाइनेंशियल ईयर है वही आपको यहाँ पर शो करना, क्लियर है। उसके बाद कंपनी का एड्रेस, जो भी कंपनी का एड्रेस होगा वो एड्रेस यहाँ से डाल के चलना है। हो गया। अब याद रखना जब भी आप किसी का एड्रेस डालेंगे तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, इसमें हम कंपनी का एड्रेस डालते हैं, इसमें 4 लाइनें होती हैं और हर लाइन में 40 वर्ड ही एक्सेप्ट करेंगे। कितने वर्ड एक्सेप्ट करेगा? 40। याद रखना अभी आपको टैक्स का कोई काम नहीं सिखाया, जब भी एंट्री करोगे सारा काम एग्जाम में करोगे, ठीक है। कोई टैक्स अभी लेके नहीं चलना, क्या हुआ मंशी, ठीक है। तो याद रखना क्या कि जब भी किसी में एड्रेस डालोगे तो एड्रेस में कितनी लाइनें रहेगा, ये 4 लाइनें होती हैं, कितने वर्ड एक्सेप्ट करेगा? 40। अगर आप इस पर एंटर मारोगे तो पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और आपकी फोर्थ लाइन, आप लोगों को सारा पता होना जरूरी। इसके बाद आता है सिन नंबर, क्या आता है आपका सिन नंबर। सिन नंबर गवर्नमेंट जिनको देती है उनके लिए यहाँ पर पढ़ लें। सिन नंबर की फुल फॉर्म होती है कोऑपरेटिव आइडेंटिफिकेशन नंबर, क्या होता है कोऑपरेटिव आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये उन लोगों को दिया जाता है जो गवर्नमेंट के पास लिस्टेड होते हैं, जिनकी आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगा होता है, क्या लगा होता है प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगा होता है, उनको ये सिन नंबर दिया जाता है, जिसको बोला जाता है कोऑपरेटिव आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस सुनते हैं ना आप लोग, ऐसी ये होता है कॉर्पोरेटिव आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये आपका 21 डिजिट का होता है, कितने का होता है आपका 21 डिजिट का होता है, कितने का होता है आपका 21 डिजिट का होता है, कितने का होता है आपका ये 21 डिजिट का होता है। लेकिन इसका एक अपना एक रूल है, एक अपना पैटर्न है, वही रूल वही कॉन्सेप्ट आपको उसको यूज करना है।
ये चेयर खाली लेके बैठे हैं। अब आ गया पहला, बोल रहा है कि जो भी आपका सिम नंबर का पहला वर्ड होगा वो यू से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा आपका? यू से। किससे स्टार्ट होगा? यू से। मतलब आप जो पहला वर्ड लेंगे किससे स्टार्ट होगा आपका? यू से स्टार्ट होगा। उसके बाद उसने बोला जो आपके नेक्स्ट 5 डिजिट होंगे वो आपके इंडस्ट्री कोड होंगे। इंडस्ट्री कोड मतलब कि आपका दिल्ली का कोड कितने से स्टार्ट होता है? 0111 से स्टार्ट होता है। तो आपका ये आ जाएगा, शुरू के 5 डिजिट एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद उसने बोला नेक्स्ट आपका जिस दिन आपकी कंपनी ने गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन करवाया, क्या करवाया है, उसके बाद 2 डिजिट आपके क्या आएंगे? स्टेट कोड। जैसे दिल्ली है, दिल्ली में क्या आएगा आपका? डी है। उसके बाद उसने बोला जो आपने कंपनी स्टार्ट करी है उसका ईयर आ गया, तो आपका ये आ जाएगा। अगर मैंने कंपनी 2013 में बनाई है तो ये आ जाएगा। पहला यू आ गया, फिर आपके 5 डिजिट स्टेट कोड आ गए, और फिर ये जो आपका 5 डिजिट था वो इंडस्ट्री कोड था। क्या था वो आपका? इंडस्ट्री कोड। उसके बाद स्टेट कोड था, और उसके बाद आपका आपने किस दिन कंपनी के बाद रजिस्ट्रेशन करा। उसके बाद वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से आपको नंबर प्रोवाइड करेंगे, वो क्या क्या है उसका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। उसकी फुल फॉर्म याद रखनी, कोऑपरेटिव आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या फुल फॉर्म है? कोऑपरेटिव आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर आप किसी के यहाँ काम करने जाते हैं, क्या करने जाते हैं? काम करने जाते हैं, और वो कोऑपरेटिव ऑफिस है, तो वो आपको ये नंबर जरूर देगा। क्या देगा आपको? ये नंबर जरूर देगा जिस पर लिखा होगा सिन नंबर। क्या लिखा होगा? सिन नंबर, और लिखा होगा कोऑपरेटिव आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसके बाद आता है आईटी पैन कार्ड नंबर। देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, सभी को ये याद करना है, आईटी पैन कार्ड नंबर। इनकम टैक्स परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या होता है ये? इनकम टैक्स परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या होता है? इनकम टैक्स परमानेंट अकाउंट नंबर। ये एक किसकी तरह होता है? ये आपके प्रूफ की तरह होता है। क्या होता है? एक प्रूफ की तरह होता है जो आपको बताता है कि आप एनुअली कितना गवर्नमेंट को टैक्स सबमिट करा रहे हैं या नहीं करा रहे। ये 10 अंक का होता है। शुरू के जो पहले 5 अक्षर होंगे वो अल्फा होंगे। जो पहले 5 अक्षर होंगे वो क्या होंगे आपके? अल्फा होंगे। बाद के 4 अक्षर न्यूमेरिकल होंगे, और लास्ट का एक वर्ड क्या होगा आपका? अल्फा। यहाँ पढ़ लीजिए 5 अक्षर अल्फा, जैसे CMPLK। उसके बाद 4 अंक न्यूमेरिकल होंगे, 985। उसके बाद लास्ट अंक जो होगा वो क्या होगा आपका? अल्फा होगा। लेकिन इसमें भी गवर्नमेंट ने एक रूल दे रखा। क्या दे रखा गवर्नमेंट ने? रूल दे रखा। गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपका जो पहले 3 डिजिट होंगे वो क्या होंगे? पहले 3 डिजिट होंगे वो ABCD कुछ भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? आपके कुछ भी हो सकते हैं। जो गवर्नमेंट आपको देगी वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड। लेकिन जो आपका 4th डिजिट होगा वो आपका स्टेटस बताएगा कि आप कंपनी चलाते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस है, या पार्टनरशिप में काम करते हैं। उसने बोला कि अगर आपका 4th डिजिट सी से स्टार्ट होगा तो आप कोऑपरेटिव कंपनी के ओनर है। अगर आपका एफ से स्टार्ट होता है तो आपका फर्म है। अगर एच से स्टार्ट होता है तो आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर आते हैं, मतलब घर के कर्ता धर्ता है, तो आप ऐसे पता चले। और पी आएगा तो आप पार्टनरशिप फर्म में या पर्सनल के लिए वो यूज कर। और नेक्स्ट अगर आपका जो 5th डिजिट होगा वो आपका सरनेम होगा, जैसे रोहित शर्मा, तो उसके लिए एस लगाएंगे। ये इनका अपना पैटर्न है। तो इनकम टैक्स की फुल फॉर्म होती है इनकम टैक्स पर्सनल अकाउंट नंबर, या इनकम टैक्स परमानेंट अकाउंट नंबर। उसके बाद नेक्स्ट 5 डिजिट 4 डिजिट क्या होंगे आपके? न्यूमेरिक होंगे, जो आपको डालना है वो डाल। उसके बाद यहाँ पर लिख दीजिए एंड का वर्ड पी होगा। तो क्या वर्ड बन जाएगा? शुरू के 5 अक्षर अल्फा होंगे, 4 अक्षर न्यूमेरिकल होंगे, और लास्ट वर्ड क्या हो जाएगा आपका? अल्फा हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद वार्ड नंबर, कि आपका वार्ड नंबर कितना है। फिर आपका कंपनी का टेलीफोन नंबर, जो भी आपका कंपनी का टेलीफोन, याद रखना इसमें हम मैक्सिमम 3 मोबाइल नंबर डालते हैं। आ गया। उसके बाद आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कंपनी का फैक्स नंबर, कंपनी की मेल आईडी,
ठीक है। अब आता है करेंसी सिंबल। अगर मैं यहाँ से कंट्री दूसरी कर दूंगा ना तो आपका करेंसी सिंबल भी चेंज हो जाएगा। तो याद रखना कि जो भी आप काम करेंगे वो कंट्री के हिसाब से आपको काम करना है। तो याद रखना जब भी आप काम करें तो कंट्री इम्पोर्टेंट है। हम बीसी के अंदर सब कुछ चेंज कर सकते हैं, इसको अगर आपने कोई गलती है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर स्टेट गलत डाल दिया, क्या डाल दिया, स्टेट गलत डाल दिया, तो उसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए आप लोग ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखना है कि आपका ये गलत ना हो जाए। ठीक है, हो गया। उसके बाद याद रखना इस टॉपिक को भी फिलहाल नो करके चल रहे। पहली दो क्लास में आपको नॉर्मल काम सिखाऊंगा जो मार्केट के अंदर यूज होता है। उसके बाद मैं आपको जीएसटी के अंदर लेके जाऊंगा कैसे आप बीसी के अंदर टैक्स से काम करेंगे। अगर आप पक्के का काम करेंगे तो उस टॉपिक को यस करेंगे। हाँ टॉपिक को नॉक कीजिए। अब सर यहाँ पर तीन टॉपिक लिखे हैं, इसके अंदर हेडिंग है कॉपी मास्टर कॉन्फ़िगरेशन यूजर फ्रॉम एग्जिट कंपनी। होता क्या है, किसी के हम काम करने जाते हैं तो कहता है कि यार एक नई कंपनी बना ले, लेकिन जो मेरे पास पुरानी कंपनी बनी हुई है ना उसकी कंपनी उसके अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन डिजाइन है वो आ जाए, उसके अंदर जो पार्टी बनी है वो आ जाए, उसके अंदर जो आइटम बनी है वो आ जाए। मतलब एक कंपनी नहीं बन जाए लेकिन पार्टी पार्टी बनी बनाई आ जाए, सब कुछ करा कराया आ जाए, बस कोई डाटा या कोई एंट्री ना हो। तो उसके अंदर हम इस टॉपिक को क्लिक करते हैं। इसको करते हैं कॉपी मारते हैं कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया। उसके बाद उसने पूछा कौन सी कंपनी का डाटा उठाना है, तो इस बटन पे क्लिक करना है। कौन सी कंपनी का आपको डाटा लेना है वो आपको यहाँ से वो सिलेक्ट करके बता देगा। मैसेज इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने कंपनी न्यू बना रहे हैं और इस फोल्डर में कोई कंपनी नहीं है। मैं इसको आपको बाद में बताऊंगा कि किस जगह यूज होगा। अभी आप क्या कर दो, नॉट रिक्वायर्ड, मतलब मुझे किसी कंपनी का डाटा नहीं चाहिए, और इसको आप सेव कर दीजिए। तो देखिए अभी आपकी कंपनी बनना शुरू हो गया। जिसके ऊपर लिखा होगा फीचर ऑप्शन, क्या लिखा होगा फीचर ऑप्शन। याद रखना जब आप कभी काम करेंगे तो ये लोकेशन बाय डिफॉल्ट आपको शो होगी होगी। तो इसके लिए आपको छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। क्या करनी है आपको, कॉन्फ़िगरेशन करनी, क्या करनी है कॉन्फ़िगरेशन। आपको इन्वेंटरी के अंदर आना है और यहाँ से टॉपिक लेना है फीफो। क्या करना है फीफो, फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्या होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा या जो पहले जाए आएगा वो पहले जाएगा। इसको करने से बेनिफिट ये होगी कि जो आपका स्टॉक है ना वो बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन होता है, और इसको मेंटेन करने से बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं।
ये आपकी पहली क्लास है, मैं इसलिए नहीं बता सकता इसको किस तरीके से आप लोग बनाएंगे, लेकिन जब भी आप कंपनी बनाएंगे तो आपका यहाँ पर जीपो ही होना चाहिए और टैग बिल सेंडिंग अंदर आइटम। देखो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो ऊपर लिखा भी है स्टॉक वैल्यू मेथड क्या है, पीवो, मतलब जो भी मैं काम करूंगा कौन से मेथड पे काम करूंगा, पीवो बेस पे, कौन से मेथड पे करूंगा मैं आपका पीवो, रन को दे रहा हूं। उसके बाद आप इसको यहां से सेव पे क्लिक करके आप इसको सेव कर, अभी आपकी कंपनी सेव हो गई, सेव हो गई। उसके बाद आप स्कैप बटन दबाएंगे तो आपकी कंपनी बन सके। अगर आपको कंपनी बंद करनी है तो आप कहीं भी खड़े हो, किसी भी लोकेशन पे खड़े हो, तो उसके लिए आप बार बार स्पेस बटन दबाते जाइए, और अगर आप चार बार स्पेस बटन दबा देंगे तो ऑटोमेटिक एक मैसेज आएगा जिसपे लिखा होगा डू यू वांट टू क्लोज दिस कंपनी, आप इस पर एंटर करेंगे तो भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं कीबोर्ड से एंटर बटन यूज ना करूँ, तो देखिए आप यहाँ पर नीचे दे रहे हैं वाई के नीचे अंडर लाइन है और नो के नीचे अंडर लाइन है, तो याद रखना कोई भी सॉफ्टवेयर उठा ले तो सभी के नीचे एक लाइन होती होती है। मैं यहाँ वाई दबा दूंगा, देखो मेरी कंपनी यस हो जाएगा ऑटोमेटिक, लेकिन जिसके नीचे अंडर लाइन होती है उसको वाई से यूज नहीं करेंगे, उसको ओल्ड के साथ वाई यूज करेंगे तब बंद हो जाएगा। अगर आप सिस्टम बंद करते हैं ना कभी, जैसे मैं आपको सिस्टम बंद करके दिखाऊं, ओल्ड टैब फोर करूं, देखो यहाँ पर लिखा भी डब्ल्यू के नीचे भी अंडर लाइन, याद रखना आप कोई सी भी सिस्टम उठा के बैठ जाओ आप काम करेंगे तो उसके नीचे अंडरलाइन वर्ड जरूर होगा, क्या होगा अंडरलाइन वर्ड होगा। जैसे अगर आप माई कंप्यूटर पे जाके काम करेंगे ना तो यहाँ पर सभी के नीचे, जैसे आपको बैक आना है आप यहाँ खड़े हो, आप अंदर आ गए यहाँ आ गए, आपको बाहर जाना है तो इस पर आने के लिए भी ना आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ओल्ड के साथ कर सकते हो, ओल्ड बटन दबाओ तो आप बैक आ जाओगे, अंदर जाना तो ऐसे आ सकते हो। तो ओल्ड का बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन है हर जगह, ये आपकी स्किल को इम्प्रूव करता है, सामने वाला देख के बता देगा ये आपको नॉलेज है। आप किसी का काम करने गए आपके यहाँ उसका कीबोर्ड से ही काम कर रहे हो ना तो सोचेगा कि आपको नॉलेज है, क्यों, क्योंकि जब आप लोग प्रैक्टिस करते हो तभी आपको फिंगर पता चलती है कौन सा बटन कहाँ पर। अब मुझे एस दबाना है तो मुझे नीचे देखना नहीं है एस कहाँ पर, क्योंकि मेरी उंगली को पता है एस कहाँ पर। दूसरा, अब कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, कभी कभी क्या होगा कल जब आप काम करने आएंगे तो आपको ये कंपनी यहाँ पर शो नहीं होगी, क्या होगी आपको ये कंपनी यहाँ पर शो नहीं होगी, तो उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ से लोकेशन चेक करेंगे, क्या करेंगे लोकेशन चेक करेंगे कि आपकी कंपनी कौन से फोल्डर में बनी हुई थी, ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो आज आप लोगों ने देखा कि आप हमने कौन एक पूरा टॉपिक कवर करा जिसके अंदर हमने बीजी का इंट्रोडक्शन सीखा, हमने कंपनी बनाना सीखा, अब आप लोग अपने सिस्टम पे बैठिए और कंपनी बनाना शुरू कीजिए। तो ये 48 मिनट की आप लोगों की वीडियो बन चुकी है, अगर जिसको वीडियो चाहिए वो वीडियो भी ले सकते हैं।